सदस्य ने बहुत ही अच्छा जनजाति के क्षेत्र में हुआ विकास और खास करके नौजवानों के लिए सरकार की नई पहल के बारे में सवाल किया है। पहली बात तो मैं कहूंगी कि जो पीवीटीजी ग्रुप्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत हुई है, मैं सदन के माध्यम से ये रखना चाहती हूँ बात कि देश के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि जिन्होंने पहली बार हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनकी जन्मस्थली पर जनजाति गौरव दिवस पर वहां पे मत्था टेका है। और सिर्फ मत्था नहीं टेका तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि हमारा जनजाति क्षेत्र का विकास और आगे बढ़े और उसी दिन 24,000 करोड़ की भी बजट की फाइनेंशियल बजट की भी वहां पे घोषणा हुई। वो सिर्फ घोषणा नहीं हुई तो जिस तरीके से कहा कि क्या बिजली के माध्यम से कुछ काम हो रहा है क्या, तो मैं बताना चाहूंगी कि अलग अलग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो 22,000 विलेज और 200 डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चलेगी तो उस माध्यम से चाहे वो आवास हो, चाहे वो कनेक्टिंग रोड का विषय हो, वाटर सप्लाई हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो, अलग अलग मिनिस्ट्री से और खास करके न्यू सोलर पावर स्कीम के माध्यम से भी मदद मिलेगी और जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। और दूसरा सवाल था कि क्या बच्चों के लिए शिक्षा हो या नया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है जिसके डिटेल्स सभा पटल पे रख दिए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से जो कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करे उसमें 3 कंपोनेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरा कंपोनेंट है वनधान केंद्र का निर्माण करना और तीसरा कंपोनेंट है उसको मार्केटिंग देना। तो इस माध्यम से ट्राइफेड ने आज तक वनधान के माध्यम से 41 करोड़ का बिजनेस दिया है जो लाभ हमारे जनजाति क्षेत्र को हुआ है और 170 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ट्राइबल आर्टिसन के माध्यम को हुआ है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये और जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो आदिवासी युवा हैं उनकी सांस्कृतिक जो धरोहर है शिक्षा के माध्यम से उनको उस प्रकार की शिक्षा देकर उनकी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए भी कोई योजना है और इन योजनाओं पर शिक्षा के फर्क को पाटने के लिए कोई नोडल एजेंसी, कोई उनको जांच करने की एजेंसियां भी नियुक्त हैं और कितना पैसा खर्च किया गया है इस विषय में यह भी जानना चाहता हूं, फाइनेंशियल आउटले क्या है जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कहा कि क्या रिसर्च होता है या फिर हमारी जनजाति क्षेत्र में, तो उसमें सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे TRI वो भी उसके माध्यम से फंड्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अलग अलग जनजाति क्षेत्र में रिसर्च बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन बढ़े और प्रपोजल आए तो उसमें हम मदद भी करते हैं। और हमारी एक मिनिस्ट्री की डिजिटल रिपोजिटरी भी है जिसमें आज तक हमारे अलग अलग कल्चर के चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, वीडियोज हो, पब्लिकेशंस हो, उस माध्यम से ये रिपोजिटरी को आप विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है जिसके लिए हम फंड्स देते हैं और इसके अलावा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल भी आयोजित होते हैं, जैसे नागालैंड का हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, हमारा तेलंगाना का मेडरम जत्रा हो, ट्राइफेड के माध्यम से भी जैसे मैंने पहले ही कहा कि आर्टिसन को के माध्यम से बिजनेस भी दिया जाता है और आदि महोत्सव हो या आदि बाजार हो, आदि कलाकार हो, यह ट्राइफेड के माध्यम से भी ऑर्गेनाइज होता है जिसमें युवाओं को। श्री सत्यदेव चौधरी, पहले तो मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार 15 नवंबर को आदिवासी और जनजाति को न्याय और विकास दिलाने के लिए एक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना प्रारंभ की है। मैं समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं लाई गई, लेकिन
समग्र विकास नहीं हो सका, उनका समाधान नहीं हो सका। और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपए से टाइम बाउंड 3 वर्ष में इनमें मूलभूत सुविधाएं इनको दी जाएंगी, ये योजना शुरू की है और देश में इस योजना का जनजाति क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आदिवासियों की शिक्षा के, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर ऐसे जिले हैं जो आदिवासी माहौल हैं, क्या इस क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय खोले गए, और खोले गए तो कितने खोले गए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में विकास हो इसके लिए खासकर सरकार ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पर आज तक जो ध्यान नहीं गया, इस माध्यम से आज क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार का काम हो रहा है। माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ये एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल खुले हैं क्या? तो बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4 हमारे रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल को मान्यता दी गई है, और जिसमें से 2 जो 4 है, सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, ललितपुर है, बहराइच है, तो उसमें से लखीमपुर खीरी और बहराइच तो फंक्शनल हो गए हैं, बाकी दोनों का काम चल रहा है। और उसके साथ ही जो 740 हमारे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल्स है जो कि बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 3.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, और जिसमें से 694 स्कूल्स अभी फंक्शनल हुए हैं। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। मैडम, बंगाल के एक बड़े हिस्से में काफी आदिवासी जनजाति रहते हैं, जैसे कि बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहते हैं कि हमारे बंगाल की जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की संख्या क्या है, और आगे ये आदिवासी बच्चों को और ज़्यादा शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल किया जाता है या नहीं? और इसके साथ साथ एकलव्य मेडिकल स्कूल से तो पढ़ाई के बाद वो अगले जाके क्या कहते, कोई ट्रैकिंग सिस्टम है आपके पास कि हम आकलन कर सके कि हाँ इसके आगे या एकलव्य स्कूल के इतने बच्चे यहाँ तक पहुंचे, ये मैं जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय ने फिर एक बार जनजाति क्षेत्र में मिले युवाओं को शिक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल किया। जहाँ तक कि मैंने कहा कि 740 हमारे EMRS कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी बताया 694 अभी सैंक्शन है और 401 फंक्शनल है। मैं करेक्ट करती हूँ वो फिगर को। लेकिन जो आपने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा तो वो नंबर मैं आपको जरूर दे देती हूँ। उसके अलावा जो आपने कहा कि क्या इसको आप जांच भी करते हैं, क्या इसको देखते भी है, क्या ये व्यवस्था पहुंच रही है कि नहीं, उसके लिए सर सरकार ने अलग अलग, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्कूलों का काम कहाँ तक चल रहा है, परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड है।